कर लिए होंगे क्योंकि आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मोशन इन नंबरिंग एक टोटली बेसिस ऑन द चैप्टर नंबर 3 ओके सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स जस्ट गो थ्रू द चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 4 वीडियोस ओके बट दोस हु आर क्लियर वेल एंड गुड ओके टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट चैप्टर नंबर 4
जो एक्सिस है उसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ओके दिस लाइन, सेकेंड एक्सिस है उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यस, एंड थर्ड एक्सिस है वो, ये कैसा हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, अपवर्ड्स हो गया, डाउनवर्ड्स हो गया, कौन सा बचा, फ्रंट एंड बैक, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसको हमें इमेजिनेशन करना पड़ेगा, है ना, वी कैन ओनली इमेजिन इट, आपको ऐसा इमेजिन करना है कि इसमें से एक लाइन बाहर निकल रहा है और इसके पीछे एक लाइन अंदर जा रहा है, ओके, तो एक लाइन अंदर जा रहा है ये ऐसे और ये एक लाइन बाहर आ रहा है ये ऐसे, ओके, तो टोटल देखो हमारे पास कितने एक्सिस हैं, थ्री एक्सिस हो गए, कितना एक्सिस हैं, थ्री एक्सिस, ये ज्योमेट्री सिस्टम है हमारे पास, थ्री एक्सिस, इनों का नाम देना पड़ेगा हमें, वरना पता कैसे चलेगा कौन सा एक्सिस है, तो हमने सिंपल नाम दिया इसको, तीन नाम है एक्स वाई एंड जेड, बट अभी डायरेक्शन को सीखना है, तो एक्स वाई और जेड हमारे पास तीन ही है, तो कैसे शो करेंगे हम, इसका भी हमारे पास बहुत सिंपल सॉल्यूशन है ना, छह डायरेक्शन अलग अलग नाम देंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, और फिजिक्स हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम सब चीज को सिंपल कर सके, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हो, राइट, सिंप्लीफिकेशन, फिजिक्स का सबसे कोर रूल क्या है कि कोई भी प्रोसेस को हमें सिंपल से सिंपल करके समझाना है, ओके, सो हम जो भी पढ़ते हैं वो बहुत सिंपल चीज करके पढ़ते हैं, फिजिक्स इज वेरी वेरी सिंपल, फिजिक्स का काम है कि हमें सिंपल चीज करके देना, इट इज नॉट वेरी हार्ड, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस फॉर दैट, डोंट वरी, ओके, तो हमने ये एक्सिस का नाम दे दिया एक्स, ओके ओके, ये एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, है ना, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, प्लस हम नोट कर देंगे, ऐसा जरूरी भी नहीं है इसको हमने एक्स ही बोलना है, अब इसको भी एक्स बोल सकते हैं, इसको भी एक्स बोल सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो ज्योमेट्री में है वो हमको ये फ्रीडम देता है कि आप कोई भी एक्सिस को कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको एक्स दे सकते हैं, इसको भी एक्स दे सकते हैं, इसको भी एक्स दे सकते हैं, बट हम अभी इसको एक्स मान लेंगे, इट इज अप टू अस, ठीक है, हमारा इमेजिनेशन है ना, हम जो बोलेंगे y एक्सिस हम इसको दे सकते हैं, अब इसको y एक्सिस दे देंगे, ये y, तो ये माइनस y हो जाएगा, प्लस y, ओके, इसको हम z बोलेंगे, ये z प्लस है और ये माइनस z हो जाएगा, ओके, तो हमारे पास टोटल सिक्स डायरेक्शंस हैं, ओके, बट हम एक्सिस में कंसीडर करते हैं तीन एक्सिस, एक एक्सिस में दो डायरेक्शन आ जाते हैं, एक प्लस और एक माइनस, अब ये स्टार्ट कहां से होती है, ये डायरेक्शन स्टार्ट कहां से होती है, तो आपको देखिए यहां ये पॉइंट है ना, यहां से सब स्टार्ट हो रही है, ये पॉइंट में से सब स्टार्ट हो रही है, तो ये पॉइंट क्या है, सब एक्सिस का ओरिजिन है, क्या है, सब एक्सिस का ओरिजिन, तो हम यहाँ पे O लिखते हैं, O फॉर ओरिजिन, है ना, अपने मैथ्स में ग्राफ भी बनाया है, ग्राफ भी स्टडी किया है, तो उसमें हम O लिखते हैं ना, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, जीरो से स्टार्ट हो रहा है सर, पर फिजिक्स में ये जीरो नहीं है, दिस इज व्हाट ओरिजिन, समझ में ना, इसको ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जीरो ही, शुरुआत में तो सब जीरो ही होते हैं, बाद में मेहनत करके हम आगे बढ़ते हैं, करेक्ट, ओके, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगी सब डायरेक्शंस, आई होप यू आर ऑल गेटिंग दिस, ठीक है, तो तीन एक्सिस को हमें खाली ध्यान रखना है, तीन एक्सिस है और तीन डायमेंशंस भी, तो वही हो गया, समझ में आ रहा है, अगर कोई भी एक एक्सिस में वो मोशन कर रहा है तो वन डायमेंशनल मोशन है ना, इफ अ बॉडी इज डूइंग मोशन इन वन एक्सिस, बॉडी और अ पार्टिकल इज डूइंग मोशन
वन एक्सिस, दिस मोशन इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल मोशन, वन डी मोशन, वन डी मोशन। ये आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में, यस। वन डी मोशन कैसा होता है कि भाई आप एक ही एक्सिस में जा रहे हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि जो रेसर्स होते हैं ना, रेस देखी है आपने स्पोर्ट्स डे में, तो पार्टिसिपेट करते होंगे क्या, यस। तो उसमें देखा होगा ना 100 मीटर का रेस होता है, सब भागते हैं, है ना, जोर लगा के एकदम। तो कौन से डायरेक्शन में भागते हैं, पहले सीधा जाते हैं सब, बाद में वापस आते हैं। तो पहले देखो प्लस एक्स में जाते हैं, बाद में माइनस एक्स में आते हैं, सीधा गया और सीधा वापस आ गया। उसमें लेफ्ट में भी नहीं जाते, राइट में भी नहीं जाते, ऊपर और नीचे भी नहीं जाते, कैसे जाते हैं, सीधा जाते हैं आप सीधा। तो दिस इज वन डायमेंशनल मोशन, आर गेटिंग नॉट। ये तो आपने एक्सपीरियंस किया ही है, सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सॉरी मैम। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल, आपके हाथ में बॉल ले लीजिए, है ना, फेवरेट हमारा, ओके। उसको कैसे फेंकेंगे हम ऊपर, ओके। तो बॉल पहले कैसा गया, सीधा ऊपर गया, बाद में कहाँ आएगा, सीधा नीचे आएगा, यस। तो देखो मोशन कैसे हुआ, यहाँ पे पहले साइड में गया, अब माइनस साइड में आया, तो एक ही एक्सिस का यूज किया ना, आगे भी नहीं गया, पीछे भी नहीं गया, बाहर भी नहीं आया, अंदर भी नहीं, ऊपर गया और नीचे आया, तो एक ही एक्सिस का यूज किया उसमें। तो एक ही एक्सिस का यूज करते हैं उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोशन बोल देते हैं, है ना। ये आपने सब लिख पढ़ा होगा आगे, बट वी आर जस्ट यूजिंग दिस टू क्लैरिफाई, आपको इसे ये रिपीट करवा रहा हूं ताकि आप 2D मोशन को ठीक से समझ सकें। अब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, वो दो एक्सिस में एक साथ मोशन करेगा, दोनों एक्सिस का यूज करेगा, तो वो मोशन को हम 2D मोशन बोलेंगे, समझ में आ रहा है, वो मोशन को हम 2D मोशन बोलेंगे। जैसे कि इसमें से हम कोई भी दो एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, इसमें से हम कोई भी दो एक्सिस ले लेते हैं, ओके। चलो इसको रफ कर देते हैं, ओके। एनी टू एक्सिस हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, ठीक है,
yeah, this is you.
इफ ऑब्जेक्ट इज डूइंग मोशन इन थ्री एक्सिस, तीन एक्सिस में मोशन करेगा तो उसको 3D मोशन है ना। जैसे कि आप बबल बना सकते हैं ना, सो बबल बनाया होगा आपने, मेले में घूमने जाते हैं तो पता है बबल्स निकलते हैं, तो जब हम बबल्स बुला के उसको देखते हैं तो कैसे भागता है, आगे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, साइड में भी जा सकता है, कहीं पे भी जाएगा वो हमारे रूम में है ना, हमारा जो रूम है या फिर स्पेस है उसमें कहीं पे भी जाएगा, आगे पीछे आजू बाजू ऊपर नीचे, टोटल छह डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, मतलब तीन एक्सिस में मोशन कर सकता है। तो वाला मोशन क्या होता है, थ्री डी मोशन। ओके, सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। ओके,